हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि मलाई वाली रोटी कैसे बनती है। देखिए, ये मैंने पहले आटा गूंथ रखा है और ये मैंने लोई भी बना रखी है चार। ये मलाई है, इसको मैंने फेंट लिया है। ठीक है, जब हमारे पास घी उपलब्ध ना हो तो हम इस तरह से पराठे जैसा ही है पूरा बना सकते हैं मलाई वाली रोटी। देखिए, गैस ऑन नहीं किया मैंने, गैस ऑन कर लेती हूँ। इसके चोकर को झाड़ लेती हूँ ताकि रोटी में सॉफ्टनेस बना रहे। एक दूसरा बेल रही हूँ क्योंकि अभी पक नहीं पाया है। एक साइड हो चुका है, दूसरा साइड मैंने पलट दिया। अभी तक पका नहीं है तो मैं तीसरा भी तैयार कर लेती हूँ। तवा ढंग से गर्म नहीं हो पाया था इसलिए हो नहीं रहा है जल्दी। तब तक इसको झाड़ लूँ। इसको दबाएंगे हम धीरे धीरे कपड़े से। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मलाई लगाते समय फिर से पकेगा, इसलिए हल्का पकाएंगे। दूसरी रोटी डाल दी हमने, ये रोटी मैंने रख ली है। तीन ही रोटी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। एक इंसान के लिए काफ़ी है, एक बच्चे के लिए। 10-11 साल का बच्चा है। इसको हमने झाड़ लिया, सॉफ्ट रहे रोटी इसलिए। इसको प्रेस करेंगे, अगर थोड़ा कम रह गया तो बाद में पक जाता है। ये रोटी हमारी बन गई है। एक साइड बन गया, दूसरा मैंने पलट दिया। बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि जल ना जाए, फुल आंच कर रखा है मैंने। हो गया, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमने पहले ही कहा है कि ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम जो लास्ट रोटी है उसको पहले देखते हैं, मतलब जो पहले बनाया है उसमें मलाई लगा रही हूँ। देखिएगा कैसे लगाती हूँ। ये मलाई लग गया है, ठीक है, चारों ओर लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे। ये लग गया, अब हम इसको ऐसे डाल दिए। ठीक, अब इसके ऊपर एक और रोटी मैंने रखा है, इसमें भी लगा दिया हमने। ठीक है, पर्याप्त लगाया। हम इसको ऊपर इस तरह से सिम पे रखेंगे। अब इसको पलटा पहले वाले को और लगा दी हमने मलाई इसके भी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया रोटी बन रही है हमारी। कलर देखिए इसका कितना प्यारा है,
कि घी जो है ऑलरेडी बाहर आ रहा है। जैसे मैं बंद कर दिया था चालू करती हूँ इसको, इसको पलट देती हूँ। देखिए कलर देखिए कितना प्यारा, ठीक है। ये पहली वाली रोटी हमारी बन चुकी है जो हमने पहले डाला था। इसको पलटते हैं थोड़ा, ये जितना रह जाएगा वो अब हो जाएगा। ये थोड़ा बीच बीच में पलटेंगे। ये बढ़िया वाला देखिए लुक देखिए इसका कितना प्यारा है, पराठा जैसा ही। अब ये भी बन गया हमारा, तैयार है। अब बैक साइड में थोड़ी मलाई नहीं लगी थी तो हम अभी भी लगा सकते हैं, थोड़ा लगाएंगे। पूरा ही घी हो रहा है इसमें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोनों साइड कितना प्यारा पक के तैयार हो गया है, ठीक है। ये देखिए हो गया मलाई वाली रोटी, आज हमने बना ली। और ये थी आज की रेसिपी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।